अब यहाँ पे क्या गिवन है हमें, ऑरिजिन 0 0 0 गिवन है, पॉइंट्स आर गिवन टू बी ए बी बी सी एंड सी ए, सो व्हाट विल बी द सेंट्रोइड, 0 0 है, एक्स और वाई टू डायमेंशनल है, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, क्या आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट से मिला, सेम वी विल गेट फ्रॉम द वाई कोऑर्डिनेट। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब जीरो होती है, कैन यू फाइंड आउट दिस फॉर्मूला, किया हुआ है आप लोगों ने, क्या था वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो आ गई, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, राइट हैंड साइड बन गई जीरो, अब यानी कि ये चीज हो गई आपकी जीरो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, थ्री ए बी सी, गॉट इट। तो जब भी आपकी इस तरह से क्यूब के सम में वैल्यू निकालनी आती है, पहले काम जो भी आपको गिवन है, चेक करो कि क्या उनका सम जीरो बन रहा है, अगर उनका सम जीरो बन रहा है तो दैट प्रोडक्ट क्यूब्स का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, क्लियर। कंसेप्ट के बीच में से ही कंसेप्ट आपके यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी एनसीईआरटी जो है आपकी बुक वो बहुत अच्छे से करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो हमें गिवन है कि पहले तो मुझे वो बताओ डायरेक्शंस पता है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ के अपोजिट साउथ, देन ईस्ट एंड देन वेस्ट, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि किशन एक बच्चा है, गोस 14 मीटर साउथ देन वॉक्ड 20 मीटर वेस्ट, ऑरिजिन उसकी पोजीशन को हमने इमेजिन करना है, ये 14 मीटर साउथ की तरफ गया, लेट अस सपोज कि यहां गया वो, ठीक है, यहां तक आ गया, कितना डिस्टेंस है ये 14 मीटर, एंड देन ही वॉक्ड 20 मीटर वेस्ट, यहां से वेस्ट की तरफ कितना गया 20 मीटर, तो मान लो अब वो इस पोजीशन पे है। नाउ एट दिस लोकेशन किशन फाइंड्स दैट रीमा इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ हिम, रीमा जो है उससे 30 मीटर नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है मतलब इस तरफ, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है 30 मीटर पे, 14 ये है, 30 में से 14 गया यानी कि 16 यहां है, तो ये रीमा की पोजीशन, अब आगे सुनो, वाइल करीम बख्श इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ रीमा, रीमा की पोजीशन कहां है, यहां, करीम बख्श एक थर्ड चाइल्ड है, वो इससे 10 मीटर वेस्ट पे है, वेस्ट इधर, ठीक है, 10 मीटर यानी कि ये डिस्टेंस हमें गिवन है 10 मीटर, यहां पे है करीम, आंसर द फॉलोइंग बाय टेकिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ किशन एट ऑरिजिन एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एज एक्स एंड वाई, अब सर लेट अस राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पोजीशंस, चलो जी ये वाला पॉइंट क्या आएगा, वाई एक्सिस बन रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस है ये,
माइनस 14, यस, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव उसने बता दिया, बट अब हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो वी आर टू टेक द नेगेटिव साइन आल्सो। अब ये डिस्टेंस 20 है, यानी कि ये वैल्यू मेरी 20 है, तो ये पॉइंट क्या है, इधर से 20, इधर से माइनस, माइनस 20 माइनस 14। अब रीमा की पोजीशन बताइए, ये पॉइंट 20 है और यहाँ कितना डिस्टेंस गई थी वो 16, माइनस 20 कॉमा 16, ये। अब ये डिस्टेंस 10 है, तो ये हो गया माइनस 30, 10 ऐड कर दिया उसमें, ऐड किया तो ये नहीं करना कि इसको माइनस 10 ले लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो वो नेगेटिव ही आपका ऐड होगा, माइनस 30 कॉमा 16। आगे चारों की पोजीशंस अब अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए मुझे। कंसीडर कोऑर्डिनेट्स ऑफ किशन आर, किशन के कोऑर्डिनेट्स, किशन कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है ना प्रेजेंटली, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ किशन क्या है, माइनस 20 कॉमा माइनस 14। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रीमा, माइनस 20 कॉमा 16। रमेश इज एट द लोकेशन, रमेश कहाँ है अब, ओके, रमेश इज एट द लोकेशन विच इज द मिरर इमेज ऑफ रीमाज लोकेशन अक्रॉस वाई एक्सिस। रमेश जो है वो मिरर इमेज पे है रीमा की लोकेशन के, और वाई एक्सिस के अक्रॉस जो है उसकी इमेज बन रही है, दिस इज द वाई एक्सिस। अब इसके अक्रॉस उसकी इमेज बन रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब इमेज बनती है तो कौन सा कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, एक्स का के वाई का, एक्स का, क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ दैट विल बी 20, 16, ये रमेश की पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनदर पर्सन नेम्ड सुरेश इज लोकेटेड एट अ पॉइंट सच दैट किशन, रीमा, रमेश एंड सुरेश आर एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सुरेश आर, फिर से सुनो, इफ अनदर पर्सन नेम्ड सुरेश इज लोकेटेड एट अ पॉइंट सच दैट किशन, रीमा, रमेश एंड सुरेश आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, चौथा पर्सन जो सुरेश है उसकी पोजीशन ऐसी है कि कौन कौन से पर्सन हैं, ये ध्यान से सुनो, किशन, रीमा, रमेश एंड सुरेश, ये किशन, ये रीमा, ये रमेश, दीज आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के लिए ये पॉइंट आना चाहिए 20 कॉमा माइनस, क्यों 14, सो दिस विल बी 20 कॉमा माइनस 14, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ सुरेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग किशन एंड करीम, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ये करीम की पोजीशन है, ये किशन की पोजीशन है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट आपको निकालना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, माइनस 30 माइनस 20 बाय 2 कितना आया, माइनस 25, और सेकंड बाय, हाँ, माइनस 14, वाई वन प्लस वाई टू बाय 2, ऊपर प्लस 16 है, हाँ तो 6, हाँ जी, माइनस 14 प्लस 16 बाय 2 दैट इज 1, तो उसकी पोजीशन क्या आ गई, माइनस 25, 1। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0, 0, 0, 1, 1, 0 इज गिवन बाय, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, हाँ अलग ही हो गया है, वैसे इसके साथ ही है बट इससे रिलेटेड नहीं है ये, 0, 0, 0, 1 एंड 1, 0, अब ये अलग ही आ रहे हैं क्वेश्चंस।
मैंने करवाया हुआ है पेरीमीटर, क्या करोगे? पेरीमीटर निकालना है। हाँ जी, यू शुड नो द साइड्स, पहले लेंथ ऑफ द साइड्स कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। बबली बताओ मुझे क्या, अब इस ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है, इंस्ट्रक्शंस वाला, अब ये वाला ही शुरू हो। हाँ जी, कितना आएगा बताओ, क्या आएगा, वैल्यूज बताओ मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो कैलकुलेट बच्चे, वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0, 1 एंड 1, 0। We are to find the perimeter of the triangle formed by these lines. ये कितना आया? सीधा आपको बताया हुआ है मैंने, 1 आ गया। ये कितना आया? ये भी 1 आ गया। ये कितना आएगा? 1 square plus 1 square, 1 plus 1, 2 under the root। ये कितना आ गया? √2। Calculations quickly करो, time save करो। अब ये आ गया, what will be the perimeter now? 2 plus √2, got it? Next question, coordinates of a point on the y axis which are equidistant from the points 3, 1 and 1, 5। ये points हो गए। अब coordinates of a point which is coordinates of the point on y axis which are equidistant from these points, क्योंकि distance की बात हो रही है, so that can be on the positive y axis, that can be on the negative y axis. So ab ye point kyunki y axis pe hai, so it will be of the form 0, x, yani ki this distance will be equal to this distance. aapne saturday lecture join kiya tha, haan ji, usme maine yahi karwaya tha jo aap us din triangle wale se bata rahe the na, ki hum aise nikal lenge, wo aapka solution complicated ho raha hai, to usme bhi aapne yahi concept laga dena hai. perpendicular bisector pe humne point liya tha, तो राइट पाइथागोरस थ्योरम के लिए मत जाइए आप, ये डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाइसेक्टर पे जब भी आप पॉइंट लेते हो तो वो इन पॉइंट्स से, जिस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आप बात कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स से इक्वी डिस्टेंट होगा। चाहे मैं अब ये वाला डिस्टेंस यहाँ ले लू, ये भी सेम आएगा, चाहे मैं यहाँ ले लू, दिस विल अगेन भी सेम, किया हुआ है आपने, ये थ्योरम की हुई है। तो अब हमें मतलब उस वाले क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगा के करना, मैंने नेक्स्ट डे करवाया था, तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग आल्सो। अब यहाँ वापस आओ क्वेश्चन पे, क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस सच दैट दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट, सो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे नहीं पता क्या है ना, ऑरिजिन कैसे होएगा, वो नहीं है ना बच्चे, हम अगर नहीं भी दिया हुआ तो हम वहां से ही देख सकते हैं, ये 0.1.5 है, ये 0.3.5 है। वैसे 1.5 अगर मैं एज पर रूल देखूं तो मेरा इधर और 3.5 इधर आना चाहिए, बट क्योंकि मैं रफ फिगर बनाती हूँ तो दैट डजंट मैटर। अब ये 0.1 है, ये 3 है, ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगी आपकी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, 1.3 वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मतलब पॉइंट आप यू कैन इमेजिन कि कैसे बनेगा। दिस स्ट्रेट लाइन बन गई, ये पॉइंट्स आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसको, इसके इक्वेट करो, कितना सोचना पड़ रहा है, क्या आएगा, फटाफट बोला करो, इतनी सुस्ती फैलाओगे तो पेपर नहीं पूरा होएगा। जब ये डिस्टेंसेस इक्वेट करने होते हैं एट दैट मोमेंट आल्सो यू नीड नॉट राइट दिस स्क्वायर रूट सिंबल, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर लेके हम इसको हटा सकते हैं। मैंने 0 - 1 को सीधा 1 लिख दिया स्क्वायर को, 0 - 3 होल स्क्वायर सीधा आप यहाँ पे 9 लिख लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x - 5 होल स्क्वायर x - 5 होल स्क्वायर, ये क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा, इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम इसको, मैंने पॉइंट्स गलत लिखे, तभी वो यहां से मुझे पता लग गया मैंने स्टेटमेंट रॉन्ग कॉपी की है, ये कट गया, ये क्या प्रूव हो गया, 1 = 9 विच इज इम्पॉसिबल। इट मीन्स या स्टेटमेंट गलत है या मैं कैलकुलेशंस गलत कर रही हूँ। मैंने अब स्टेटमेंट चेक की तो यहाँ पे 3.1 था, तो यहाँ वाला पॉइंट आपका बन गया
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। चलो अब बताओ। हाँ जी सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी जल्दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वन और वन कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, अब माइनस एट एक्स इज इक्वल टू हाँ जी प्लस और माइनस सो पॉइंट क्या आएगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ ए माइनस 1.7, इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है इन वाई एक्सिस 1.7। Vertices of a triangle given है, measure of the greatest angle of the triangle is. अब देखो, vertices of a triangle मुझे given है, minus 2, 1, 2, minus 2 and 5, 2. Measure of the greatest angle निकालना है. Theorem की हुई है? ग्रेटेस्ट एंगल किसके अपोजिट होते हैं? हाँ जी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, आई हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। साइड्स निकालनी क्या आएंगी वर्बली अगर मुझे करने हैं तो ऑरली 2 + 2 = 4 16, माइनस 2 माइनस 1 3 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 आ गया 25 का रूट बीसी, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर 9, 9 आ गया, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर 16 आ गया, कितना आया ये 5। अब एसी चेक करो, 5 प्लस 2 7 49, 2 माइनस 1 1 49 प्लस 1 50, कितना आया ये 5√2। अब चेक करो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ रहा है, ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव 50, दिस इज अगेन स्क्वायर इज 50, तो 50 इक्वल टू 50, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, तो इट इज अ sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side. कौन सा वाला theorem है ये? हाँ जी, this is a Pythagoras theorem. तो largest angle क्या आएगा? 90 degree. Got it? हाँ जी पूछो. You are having some doubt. Your face shows. बताओ. Last step देखो बच्चे. AB 5 है, BC भी 5 है, AC 5√2 है. अब अगर मैं इनका स्क्वायर चेक करूं, अदरवाइज देखो इसमें दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि इसके अपोजिट जो भी होगा एंगल दैट विल बी द लार्जेस्ट, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अब मुझे और कोई कंडीशन नहीं गिवन कि मैं मतलब इन दोनों को या इन तीनों के सम को 180 लूं, एक इक्वेशन मेरे पास उससे बन रही है, और कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, इट मींस अब मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगी, मैं पाइथागोरस थ्योरम चेक कर, इक्विलेटरल भी ट्राइंगल नहीं है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती तो 60 डिग्री एंगल आ जाना था, 60 डिग्री वाली भी नहीं है, अगर मैं सम ऑफ साइड्स ले लेती हूँ तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनको अगर मैं एक्स भी एज्यूम कर लेती हूँ तो 2x प्लस ये मेजर मेरे पास नहीं है, यानी कि मैं थर्ड एंगल नहीं निकाल सकती सिर्फ इस कंडीशन से। लास्ट ऑप्शन क्या बची मेरे पास, राइट ट्राइंगल चेक करूँ, राइट ट्राइंगल के लिए सम ऑफ एनी टू साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है बच्चे। ए बी स्क्वायर 25 आ गया, बी सी स्क्वायर कितना आ गया 25, ए सी स्क्वायर क्या आया 5√2 का स्क्वायर, ठीक है क्लियर। चले अगले पे, उसके बाद पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का, दैट यू कैन डू।
देन नेक्स्ट है कि पॉइंट्स गिवन है, यू आर टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इट इज, राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है या इक्विलेटरल है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू. अब एक असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते हैं. पॉइंट 4.2 असर्शन है ये. अब इसमें हमें गिवन है द पॉइंट 4.2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 0.0 एंड बी 8.4. ठीक है, पॉइंट 4.2 लाइज ऑन दिस एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1. रीजन, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल 1, 2, 2, 3, 6, 4 is 3, 3. P point given है 1, 2, Q point given है 2, 3, R point given है 6, 4, और आपको given है कि इसका जो centroid है that is 3.3. अब इसमें देखो दो questions आपको solve करने पड़ रहे हैं. Time speed बढ़ाओ, अपनी practice करो जितनी written में कर सकते हो. पहला वाला check करो, ठीक है, वो 4.2 ही आ रहे हैं. क्यों, कैसे आ रहे, मिड पॉइंट थोड़ा गिवन है मुझे. सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, 2 × 8, 1 × 0 बाय सम ऑफ रेशियो, क्या आया 16/3. ठीक है, ये आ गया 16/3. और दूसरा चेक करो, 4 × 8/3, तो क्या ये पॉइंट सेम है? दिस इज अ रॉन्ग असर्शन. गॉट इट? कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क. रीजन बताइए, अब रीजन चेक करो, रीजन करेक्ट है. 1 + 2 + 6 सेंट्रॉइड x1 + x2 + x3/3, तो 1 + 2 = 3 + 6 = 9/3 = 3. नेक्स्ट चेक करो, 2 + 3 = 5 + 4, दैट इज अगेन 3/3 किया, तो 3.3 सेंट्रॉइड आ रहा है. ये करेक्ट है, ये फॉल्स है. अब बताओ क्या ऑप्शन आएगी. असर्शन इज फॉल्स. हाँ जी, ऑप्शन बी है. वैसे इसमें असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट. हाँ जी, हाँ जी, जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लिख लेंगे. चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं. सेंट्रॉइड, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया है. सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू एंड आर is at origin. एक ट्राइंगल पी क्यू आर, पी हमें गिवन है पी क्यू, क्यू हमें गिवन है क्यू आर, और पॉइंट आर हमें गिवन है आर पी. इज एट ऑरिजिन, इसका जो सेंट्रॉइड है दैट इज एट ऑरिजिन. किया था भी ऐसा क्वेश्चन ए बी बी सी सी ए वाला. ठीक है, हाँ जी. देन पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, ये मुझे गिवन है इक्वल टू 3PQR. दिस इज द असर्शन. और रीजन क्या कह रहा है वो, कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC. क्या यस? असर्शन ट्रू है, रीजन दोनों करेक्ट हैं. And is the this reason the correct option for assertion? So both assertion and reason are correct statements, and reason R is the correct explanation of assertion. Points, coordinates of that point of trisection of CD which is near to C. CD का trisection point दो होंगे, आपको पता है, एक 1:2 में, एक 2:1 में. Which is near to C, मतलब ये ले लिया, तो रेशियो क्या होगी नियर वाले के लिए 1:2. अब वो कह रहे हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, C आपको गिवन है 4, -1, और D आपको गिवन है -2, -3. इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ही इज सेइंग 2, -5/3. दिस इज द assertion. रीजन, Trisecting a line segment means dividing a line segment in 3 equal parts or dividing a line segment in the ratio 1:2 and 2:1.
रीजन करेक्ट है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 1:2 या 2:1 में। अब एसर्शन चेक करो, इज इट करेक्ट और नॉट। हाँ जी, क्यों 1:2? उसने कहा, क्या कहा, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सी डी विच इज नियर टू सी, तो इसीलिए मैंने 2:1 नहीं ली। ठीक है, हाँ जी, रीजन करेक्ट है हमारा, एसर्शन चेक कर लो। हम 1:2 से कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। वन इंटू माइनस टू, टू इंटू फोर, तो -2 + 8, 6/3, 2 आ गया। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट चेक करो, 1 × -3, 2 × -1/3, आ रहा है सेम 2, -5/3। ठीक है, सो assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। इसी में है, अब assertion गिवन है हमें, पॉइंट गिवन है हमें 4। फर्स्ट पॉइंट है ए 4, 2, सेकेंड पॉइंट इज बी 9, -3, थर्ड पॉइंट इज सी 2, -4, एंड द फोर्थ पॉइंट इज बी -3, 1, 4, 2, 9, -3, 2, -4, and -3, 1। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, दीज आर टेकन इन ऑर्डर, फॉर्म अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वेयर। गेट अप एंड देन गो। These are taken in order. ये order में लिए गए हैं A, B, C, D. अब वो आगे क्या कह रहे हैं, If the they form a rhombus but not a square. ये square नहीं form कर रहे, rhombus form कर रहे हैं। कैसे check करोगे? All the sides equal and diagonals. अगर equal हैं तो it will be a square. Unequal हैं तो it will be a rhombus. Now the reason for this is, for the given four points A, B, C, D, if lengths AB equal to CD equal to BC equal to DA and AD not equal to BC, then the quadrilateral ABCD is a rhombus but not square. Taken in order है, तो let us suppose कि ये हमने ले लिया A, B, C and D. अब lengths कौन कौन सी की बात कर रहे हैं, वो AB is equal to CD, is equal to BC, is equal to DA and AD not equal to BC. ये और ये कह रहा है कि अनइक्वल होनी चाहिए। रीजन गर्ल्स है, क्योंकि क्या होना चाहिए, डायगनल्स लेने चाहिए। एक तरह को कह रहे हैं सारी साइड इक्वल है, साथ ही उसके कह रहे हैं कि ये वाली और ये वाली साइड अनइक्वल है। रीजन रॉन्ग हो गया। अब assertion चेक करो, इट इज फॉर्मिंग अ rhombus. Assertion true है, आ रहे हैं rhombus की coordinates आ रहे हैं। Okay, then assertion is true, reason is false. चलिए, अब next करेंगे 2 minutes are left. अच्छा, अब हमें given है 0.1241 and -2, 3 are collinear. Points 1, 2, 4, 1 and -2, 3 इधर दिख रहे बोर्ड यहाँ पे 4, 1 and -2, 3 आर कोलिनियर। ये रीजन गिवन है
और दिस इज असर्शन गिवन, रीजन वो कह रहे हैं ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए और सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ इज इक्वल टू द बिगर वन. तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे. रीजन इज करेक्ट. अब ऊपर चेक करिए आर दीज कोलिनियर और नॉट. पॉइंट्स को नेम दे दो ए बी सी. ए बी बताओ क्या आएगा वर्बल ओरल. फोर माइनस वन स्क्वायर नाइन, वन माइनस टू स्क्वायर वन, रूट टेन आ गया. बी सी बताइए. फोर प्लस टू सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, वन माइनस थ्री फोर, रूट फोर्टी. अब थर्ड वाला बताइए. इसको मैं टू रूट टेन लिख सकती हूँ. अब ए सी बताइए. नाइन रूट टेन. ये स्मॉलर वाली लेंथ है, इनका सम इज इक्वल टू द बिगर लेंथ आ रहा है. तो इट इज करेक्ट. असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. And as reason is the correct explanation of the assertion, so option A will be your answer. Chaliye, now the time is over, bachche. So I am ending the meeting. If anyone is having any doubt.